इस घटना में मारी गई नाबालग लड़की अर्शदीप कौर का अज तक पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया गया। लोगों के गुस्से कारण पुलिस किसी किस्म की धक्काशाही तो गुरेज कर रही है। प्रदर्शनकारियों और पीड़ित परिवार के मैंबरों का कहना है कि उन्ना चेर लड़की का पोस्टमार्टम और संस्कार नहीं किया जाएगा जो तक सरकार दोषियों को सख्त सज़ा नहीं सुनाती। मृतक लड़की के पिता और ताए का कहना है कि हुण जो भी फैसला होगा वह उन्होंने संघर्ष कर रहे लोग ही करेंगे। अब तक बात यहाँ से पहुंची है, बादल की बस बंद की जाए, सभी परमिट उन दी बस दे बंद की जाए। जब तक जारी ये मांग नहीं पूरी होती हम यहाँ से नहीं उठेंगे। लड़की का शिष्कार कोई नहीं करेंगे, ना कुछ नहीं करेंगे, कुछ करेंगे नहीं हम। और क्या क्या मांगे? बस यही मांगे है हमारी, बस बादल की बस सभी बंद होनी चाहिए। जब इंसान हैवान बन जाए तो वहाँ भगवान भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि उस वक्त जो हादसा हुआ है ना वो जा तो हम लोग जानते हैं, अब तो सारी दुनिया में पता चलेगा कि क्या कुछ हुआ है। लेकिन जिस बस में हुआ है वो बस भी ऑर्बिट कंपनी की थी, बट उस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए मांगे आज जब तक तो एक परिवार का मामला था, तब तक तो परिवार का मामला था, मगर आज ये पूरा मोगा, आज पूरे पंजाब का और पूरे भारत देश का मामला है कि अगर ऐसे ही जो मुख्यमंत्री हैं या तो राज कर लें या व्यापार कर लें। जब वो अपना व्यापार करते हैं, बादलों परिवार अपनी बसें चलाता है, यहाँ पर धक्केशाही से उनकी बसें चलती हैं, उनकी बसों में ये वारदात हो जाना बहुत निंदनीय है और शर्म की बात। खबरां दी दुनिया विच आओ साडे नाल, कदे भी किते भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।